Hey friends, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates whenever we upload new videos. Get notification. Hello friends, welcome back to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई टिक्का, जो कि बिल्कुल ही आसानी से आप घर में बना सकते हो बगैर किसी तंदूर या ओवन के। तो उसके लिए जो हमें सामग्री लगेगी वो इस प्रकार है। हमें चाहिए चिकन 1/2 kg बोनलेस, जिसे हमें 1-1 inch के टुकड़ों में काट लेना है। मिडल से ऐसे भाग करके आपको इसे स्क्वायर पीसेस में काट लेना है। एकदम ही ज़्यादा बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा नहीं, बिल्कुल इतने ही जितना मैंने बताया है। और उसे फिर आपको देखिए बिल्कुल इतने ही इंचेस में आपको काटना है। अभी आपका इसके मैरिनेशन बनाना है। इसके लिए आपको लगेगी दही 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच लीजिएगा दही, क्रीम 4 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 teaspoon, नमक स्वाद अनुसार, ये चाट मसाला है ये भी 1/2 teaspoon आपने इसे डालना है, ये धनिया पाउडर है इसे 1 टीस्पून है, गरम मसाला पाउडर 1/2 teaspoon, ये है काली मिर्च पाउडर 1/2 teaspoon, ये चिली फ्लेक्स है 1/2 teaspoon। अब इन सबको आपको एकदम अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लंप ना बचे, एकदम स्मूथ सा बैटर बनाना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब इसमें हमें चिकन को ऐड करना है, चिकन के जो क्यूब्स हमने काटे थे उन सबको इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है। एक 30 से 40 मिनट के लिए आप या तो ऐसे प्लास्टिक कवर करके इसे रख सकते हो, या तो अगर आपके पास में ऐसे प्लास्टिक नहीं है तो आप एक प्लेट भी लगा सकते हो उसके ऊपर। अब देखिए दोस्तों, हमारा मैरिनेशन तैयार हो चुका है। इसे 30 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इसके दो चीज़ होती है, ये तो एक लकड़ी का स्क्यूअर है। अगर आप लकड़ी के स्क्यूअर से काम कर रहे हो तो आप इसको 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। मैं ये स्टील वाला यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर अभी हमें एक एक करके सारे चिकन के पीसेस को ऐड करते जाना है। कोशिश करिएगा कि सब इवनली अच्छे से वो लग जाए इसके अंदर। तवे पे हमें इसके ग्रीस करना है ऑयल को, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस हल्का हल्का सा ऑयल लगाना और एक एक करके सारे स्क्यूअर्स को इसके ऊपर रख देना है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसकी जो फ्लेम है वो स्लो रहे और ये जो हमारा बचा हुआ मैरिनेशन है आप इसे धीरे धीरे हर एक स्क्यूअर के पीसेस के ऊपर आप इसे ड्रिजल कर दीजिए ताकि ये अच्छे से कोट ले ले इसका। इसे ढककर रखना है 10 से 15 मिनट तक के स्लो गैस पर। 5 मिनट बाद आपको इसे टर्न करना है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसके ऊपर, हल्का गोल्डन सा। ज़्यादा फ्लेम फास्ट नहीं रखनी, अगर आप ज़्यादा तेज़ फ्लेम रखोगे तो ये जलने का भी डर है। और इसे हमें कवर कर करके ही हर 2-2 मिनट पे टर्न करना है। अब इसे हमें ग्रीस करेंगे, हल्का सा ऑयल लेंगे और उसके ऊपर ग्रीस करेंगे ताकि इसका जो चिकन है वो मॉइस्ट रहे, ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ये वैसे भी ब्रेस्ट पीस है, ब्रेस्ट पीस में इतना मॉइस्चर होता नहीं। अगर हम ज़्यादा कुक कर देंगे तो ब्रेस्ट पीसेस ड्राई हो जाते हैं। देखिए अभी बीच बीच में आपको ये जो मसाला जो साइड से छूट रहा है इसे स्पून की हेल्प से आपको उठा उठा कर चिकन के ऊपर लगाना है। अब ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर। अभी हमें इसके कसूरी मेथी, आप कसूरी मेथी या मैरिनेशन के वक्त भी लगा सकते हो या तो फिर ऐसे जब वो कुक होने पर आ जाए तब आप ऊपर से भी इसे लगा सकते हो, क्योंकि इससे इसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, खाने में बहुत मज़े का लगेगा जब आप ऊपर से कसूरी मेथी उस पर डालोगे तो।
अभी देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसके अंदर। अभी हमें इसको तवे पे से निकाल देना है। ये बारबेक्यू ग्रिलिंग प्लेट है, अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल है तो आप नॉर्मली डायरेक्ट गैस पे भी इसे भून सकते हो। वैसे मैंने इसको प्लेट पे यूज़ किया है। अभी इस एक एक करके आपको स्क्यूअर्स इसके ऊपर रखना है और मीडियम लो फ्लेम पर आपको इसे ट्विस्ट एंड टर्न देते हुए सेकना है। इसके अंदर से एक बहुत ही अच्छी तंदूर वाली स्मेल आने लगेगी। जब ये अच्छी तरीके से सिक जाए तो आप इसके ऊपर थोड़ा हल्का हल्का ऑयलिंग भी लगा सकते हो, ऑयल कर सकते हो, ग्रीस कर सकते हो, ताकि इससे और भी फ्लेम अच्छा ऊपर तक उठे और इसके अंदर एक चारकोल का स्मेल आए। तो लीजिए, आपका चिकन टिक्का मलाई रेडी है। अभी आप इसे गार्निश कर सकते हैं क्रीम के साथ और सर्व कर सकते हैं नान, तंदूरी रोटी और कुछ सैलड्स के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें योर्स किचन को। थैंक यू।